लगे सुहावन रामदवरिया पवन चले पुरवाही जी निकला गे सब झूमत गावे जय जय रघुराय जी जय जय रघुराय जी कोन फूल थारे ले आवे कोन दूध अगर जलावे लगे राम दरबार इवो दीदी लगे राम दरबार अगा भैया सियाराम से लगन लगन लगा लो ना ये गाँव अयोध्या कस लगा कहे जय जय राम सिया 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 राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम गाँव का योजना कस लगा गाँव का योजना कस लगा बागेश्वर धाम की हाँ दिल से जयकार नहीं लगाओ ऐसे जयकार लगाओ यहां जयकार लगाते कहीं के बागेश्वर धाम तक पहुंच जाए बागेश्वर धाम की ये तो ये पड़ोसी गांव साढ़ू तक नहीं जाते साढ़ू साढ़ू कथे का बगल गांव सड्डू हाँ सड्डू सड्डू साढ़ू उगरी से ओ माय गॉड
इतना सुंदर जयकार लगाओ ए पड़ोसी गांव 12-13 12-13 ओ माय गॉड 12-13 नो है 12-13 रे बागेश्वर धाम की। चाहे कुछ हो जाए हर बुराई से हमला बचना है कावर एक नंबर हमार गांव गांव के नाम। कर्म के फल जरूर मिलते यही विधि के रचना है एक नंबर हमार गांव गांव के नाम। कतको होथन झगड़ा फिर सबो माई पिला यही गांव में बसना है एक नंबर हमार गांव गांव के नाम। गर्मी में प्यास बुझाए बार पेप्सी कोला और रसना है एक नंबर हमार गांव गांव के नाम। ये गांव पर एक बात कहे पर जात हूं का मानवता के मन मंदिर में प्रेम का दीप जला दो। मानवता के मन मंदिर में प्रेम का दीप जला दो। करुणा निधान श्री राम मेरे कचना गांव को स्वर्ग बना दो। कचना ए गुड्डू बने बैठना यार कहा तो बने बैठने रामायण में गलो बैठे ऐसे बैठे जानो मानो सेप्टिक में बैठे देखना गा भाई रामायण में बैठे हैं भाई तो बने तो बैठे यार गुड्डू। और देखो हंसे की बात नहीं है बहनी आज तो हर नौजवान साथी ले बतायल पड़ते काला ये दीदी महतारी मन के सामने माँ बहन के गाली नहीं देना चाहिए। आज के नौजवान साथी ले बतायल पड़ते कि समाज में हम सब रहना कैसा ना चाहिए अपन से बड़े के सामने सिगरेट बीड़ी नहीं पीना चाहिए। और एक बात आदमी ए लड़का 2 साल में बोले बड़ सीख जाते ए लड़का 2 साल में बोले बड़ सीख जाते लेकिन जिंदगी में कब और कहां कैसा ना बोलना है एला सीखे बड़दाई पूरा जिंदगी बीत जाते पूरा जिंदगी बीत जाते पूरा जिंदगी। अब एक निवेदन करो ये नुनी चंपा कुकुर की आंखी के दिन में खुलते 35 दिन का चेथिल दे ओला 7 दिन में बहनी कुकुर की आंखी 7 दिन में और बिलई की आंखी और बिलवल देख ले 15 दिन का हाथ 21 दिन कुकुर की आंखी 7 दिन में बिलई की आंखी 21 दिन में और जल्दी बताओ ये मनखे की आंखी के दिन में खुलते 1 दिन में नहीं बहनी ये मनखे की आंखी कभू कभू जिंदगी भरनी खुले कभू कभू जिंदगी भरनी खुले। ये दुनिया में आंखी होते हुए अंधरा कौन जल्दी बताओ भगवान श्री कृष्ण कहे है का ये दुनिया में आंखी होते हुए अंधरा कौन जिन अपन सामने अत्याचार हुआ देखे और चुपचाप रहे उही हरे आंखी होते हुए अंधरा। ये दुनिया में कान होते हुए बहरा कौन जिन भागवत पुराण कथा नहीं सुने रामायण नहीं सुने साहेब के बात नहीं सुने नीति वचन नहीं सुने उही हरे कान होते हुए बहरा। अब एक बार तुम्हार लड़का ला खिलौना नहीं दू ये लड़का 1 घंटे रोही 2 घंटे रोही दाई और तुम्हार लड़का ला संस्कार नहीं दू तुम्हार लड़का जिंदगी भर रही तुम्हार लड़का जिंदगी भर। अकाल अकाल अनाज को होते दाई तो केवल ये मानव मरते और सच कहत हूं अकाल संस्कार के हो जाते पूरा पूरा मानवता मरते पूरा पूरा मानवता मरते। अनाज के अकाल हुई तो चल जही लेकिन संस्कार के अकाल होना नहीं चाहिए। यही सेती संस्कार बचाए बर कोनो गाड़ी कोनो मोटर कार लावा थे और धन्य है हमारे ये पांचों बाबू गांव में रामायण करा के गांव में संस्कार लावा थे संस्कार लावा कोनो भाजपा कोनो कांग्रेस के सरकार लावा थे लेकिन सब ले अच्छा है हमार पुनाराम बाबू गांव में भागवत रामायण करा के गांव में संस्कार लावा थे। ए परिवार वर एक बात कहे बढ़ जात हूँ ये परिवार वर एक बात कहे बढ़ जात हूँ कि माँ हे राम जी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना और समस्त परिवार को लंबी जिंदगानी देना लंबी जिंदगानी देना। मेरा मिश्री लड्डू बांटे
तो का कहा थे, संस्कार तो टीवी में घलोक मिलते कहा थे, नहीं मिले, नहीं मिले संस्कार टीवी में, नहीं मिले टीवी में तो संस्कार ला बेचे जावा थे, टीवी में संस्कार ला तो ये तो धारावाहिक, धारावाहिक के नाम बता तो ध्यान से सुनो, भाभी जी है कि नहीं घर पे, धारावाहिक भगवान कसम कहा तो इतना घटिया है गुड्डू, वो धारावाहिक एक बेटा अपन महतारी के साथ बैठ के वो धारावाहिक ला नहीं देख सके, और जोरदार ताली के साथ सम्मान करो आदरणीय हमर गुरुदेव जी परम श्रद्धे पंडित नवीन कृष्ण महाराज जी के आगमन, गांव भ्रमण करके विश्राम स्थल तक जाए बरा चुके हैं आदरणीय गुरुदेव जी, बड़ जोरदार ताली बजना चाहिए, जे रथ पे सवार हो करके और गुरुदेव जी बड़ जोरदार ताली बजना चाहिए, जिकर माध्यम से हम लगातार आठ दिन भगवान जी के कथा सुनत हैं, आज आठवां दिन है, एक बार गुरुदेव भगवान जी बड़ जोरदार ताली बजना चाहिए। पंडित नवीन कृष्ण महाराज जी जैन केवल गांव के नहीं अपितु छत्तीसगढ़ के गौरव है, छत्तीसगढ़ में तो आदरणीय गुरुदेव जी बहुत कम कार्यक्रम करते, भागवत कथा कही थे, छत्तीसगढ़ के अलग राज्य में हम कह सकते दूसरा राज्य में सबसे ज्यादा जिकर भागवत कथा के कार्यक्रम होते वो गुरुदेव जी पर जोरदार ताली बजना चाहिए। छत्तीसगढ़ के बाहर जिकर सबसे ज्यादा कार्यक्रम होते जिन हमर गौरव है, हमर छत्तीसगढ़ के गौरव है, उकर आगमन हुआ थे उकर बड़ जोरदार ताली बजना चाहिए, जिन भारत के कोना कोना में जाके हमर छत्तीसगढ़ के मस्तकला गर्व से गौरवान्वित करत है, प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की। मेवा मिश्री लड्डू बाटे